तो अब हम करेंगे 0 to 100 और 2500 RPM से गाड़ियों को उठाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। ओए क्रेटा, चले 1 2 3 स्टार्ट। अरे क्रेटा तेरी, तो अब मैं आ चुका हूँ क्रेटा में और दूसरा भाई जो है, जो पहले क्रेटा चला रहा था, वो चला रहा है इको स्पोर्ट। ये गाड़ियां जा रही है, रुक। 1 2 3 स्टार्ट। आजा। तो यहाँ पर 120 पहुंच चुका हूँ मैं, फिफ्थ गियर। तो अब हम करेंगे 60 to 120, वो भी फिफ्थ गियर में। पांचवे गियर में मैंने ऑलरेडी गाड़ी लगा रखी है, मैं 60 की स्पीड में इसको ले आता हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। तो यहाँ पर 120 तक देखते हैं कौन सी पहले निकलती है। और शिट, इसमें भी जो है क्रेटा आगे निकल गई। ओहो, 120 हो गई है। तो दोनों गाड़ी अब चौथे गियर में 40 में, अब देखेंगे कि 100 की स्पीड कौन जल्दी पकड़ता है। 1 2 3 और यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है रेस 40 to 100 वाली। और यहाँ पर उसमें भी, ओ शिट, उसमें भी आप देख रहे हैं कि क्रेटा आगे निकल चुकी है। तो अभी हम इसमें 20 to 80 करके देखते हैं कौन सी गाड़ी जल्दी स्पीड पकड़ती, वो देखेंगे हम तीसरे गियर में। 1 2 3 तो यहाँ पर और इन दोनों की अगर वेट की बात करें तो 30 किलो ये ज़्यादा भारी है। और इसमें हम दो बंदे बैठ के गाड़ी को चला रहे थे, उसमें एक अकेला बंदा बैठा हुआ था। तो अभी आपने दोनों गाड़ियों का 20 to 80 और 60 to 120 और 40 to 100 देखा और साथ में 0 to 100 देखा। उसमें ये क्रेटा ने बाजी मारी। और अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की, इको स्पोर्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी थी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। और परफॉर्मेंस क्रेटा की अच्छी थी। और जो लोग इसको 1.4 को पिद्दे इंजन बोलते हैं, उनके लिए करारा जवाब। तो स्टार्टिंग में हमने भी यही सोचा था कि यहाँ पर फोर्ड इको स्पोर्ट बाजी मार लेगी, लेकिन यहाँ पर बाजी मारी हुंडई क्रेटा 1.4 ने। ऐसा क्यों, ये आपको समझाते हैं। तो गाड़ी के एक्सीलरेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंजन का टॉर्क। और यहाँ पर क्रेटा में इको स्पोर्ट से 15 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है। और क्रेटा का इंजन 1500 RPM से ही फुल टॉर्क प्रोड्यूस करने लगता है, और वहीं इको स्पोर्ट का इंजन 1750 RPM से फुल टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ ही हुंडई क्रेटा की जो गियरिंग है वो काफ़ी शॉर्ट है इको स्पोर्ट के मुकाबले। अगर इको स्पोर्ट तीसरे गियर में 3700 RPM में चलती है तब वो 100 की स्पीड में चलती है, और जो हुंडई क्रेटा है वो तीसरे गियर में 4200 RPM में चलती है तो 100 की स्पीड में वो चल पाती है। तो शॉर्ट गियरिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है यहाँ पर एक्सेलरेशन में, जिसका फ़ायदा यहाँ पर क्रेटा ने उठाया। तो बात करते हैं कि कौन सी आपके लिए बेटर रहेगी, क्योंकि दोनों गाड़ियों का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आप लोगों ने गाड़ी की परफॉर्मेंस तो देख ली, दोनों का परफॉर्मेंस 19 और 20 है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हुंडई क्रेटा फोर्ड इको स्पोर्ट से कम है। तो इसके बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी की और हैंडलिंग की। तेज स्पीड में आपको इको स्पोर्ट में ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, खास करके कॉर्नरिंग पे।
और वहीं राइड कंफर्ट आपको क्रेटा का इको स्पोर्ट से अच्छा मिलेगा। तो बात करते हैं रियर सीट स्पेस की। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है इन दोनों गाड़ियों को डिसाइड करने के लिए। क्रेटा का रियर सीट स्पेस काफ़ी अच्छा है क्योंकि क्रेटा सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है। अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे ज़्यादा है तो आपको रियर सीट में अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, और वहीं इको स्पोर्ट में आपको रियर सीट स्पेस में थोड़ी सी कमी नज़र आएगी। अगर आपकी हाइट 6 फीट है, आप अपने हिसाब से सीट एडजस्ट करते हैं तो आपको रियर स्पेस उतना खास नहीं मिलेगा, आपको एडजस्ट होके बैठना पड़ेगा। और वहीं अगर मैं 5 फीट 8 इंच के बंदे को बैठाता हूँ तो उसके लिए रियर सीट स्पेस यहाँ पर सही रहेगा। तो कहने का मतलब है आपकी फैमिली में 6 फीट के बंदे हैं तो आपके लिए क्रेटा लेना बहुत ज़रूरी बन जाता है। और रही बात इंटीरियर क्वालिटी की, दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सिर्फ 19-20 का अंतर है। तो बात करते हैं कंक्लूजन की। आपकी फैमिली छोटी है, आपको फन टू ड्राइव कार चाहिए तो आप इको स्पोर्ट पर जा सकते हैं। अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए, आपने क्रेटा ही लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और भारत माता की जय। तो अगर बात करें बूट स्पेस की, फोर्ड इको स्पोर्ट में आपको मिलता है 352 लीटर का बूट स्पेस, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी लिप आपको मिलती है। और अगर बात करें हुंडई क्रेटा की, इसमें आपको मिलता है पूरा का पूरा 400 लीटर का बूट स्पेस, और यहाँ पर लिप बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें सामान डालना और निकालना काफ़ी आसान रहेगा, और आपको प्लस बूट स्पेस भी ज़्यादा मिल जाएगा।